गुड मॉर्निंग, जस्ट ज्वाइन वेरी फास्ट बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हरी अप हरी अप बेटा। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। यस बेटा रेडी? इवाल रेडी बेटा? यस सर। चलिए। यस सर। यस, आपका पेज यस नंबर सर। 93 पे आप देखेंगे एंड रोम्प विथ इट, देख रहे हैं आप लोग? पेज नंबर 93 यूनिट 6। हेलो। यस सर। चलिए। यस सर। यस, सबसे ऊपर दिया गया है, ध्यान देंगे आप? यस, एंड रोम्प विथ इट। रोम्प का मतलब है, लिसन केयरफुली, रोम्प मीन्स होता है प्ले, राइट? इट मीन्स जोडी आल्सो। बी क्वाइट एंड लिसन बेटा। जोडी आल्सो वांटेड टू प्ले विथ फान, वो फान के साथ, उस बच्चे के साथ खेलना भी चाहता था। हु वांटेड टू प्ले? जोडी। यस, आगे देखेंगे। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और इस तरीके से लाइक दिस आल्सो ही कॉल टू हिम इट, यानी वह उसको अपने पास बुलाता है। ही डेयर नॉट अलार्म इट। डेयर मीन्स ट्राई करना, प्रयास करना। अलार्म का मतलब होता है फियर। इट मीन्स ही डिड नॉट वांट टू डेयर हिम, ही मीन्स फन, यानी वह बच्चे को किसी भी तरीके से, फान को किसी तरीके से फियर पैदा नहीं करना चाहता था। ही नॉट वांट या लाइक दैट एनी वे दैट फान बिकम वेरी सैड स्मूथ आर फियरफुल सिचुएशन, यानी किसी तरीके से वह जो है परेशान न हो जाए, डर न जाए। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। बेटा आप लोगों को मिला नहीं क्या स्टूडेंट्स? हेलो, मिल गया सर। राइट। यस सर, मिल गया है। यस, ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन द फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। उसके बाद वह क्या करता है जोड़ी, कि उस फान को जो है अपनी भुजाओं में, यानी हाथ में उठा लेता है, राइट? और इस तरीके से वह आगे बढ़ता है। It seemed to him that he walked without effort. और कई बार उसको ऐसा लगता है जोड़ी को कि वह बिना प्रयास का ही चल रहा है। Who is moving? Who is going without any effort? जोड़ी, यानी when the जोड़ी take that fan in his arm and try to go or really go, in that period he feels only that he is going without any extra effort, without any hard work. तो इस तरीके से वह आगे की ओर जा रहा है, महसूस हो रहा है। लिसन अगेन। हिज आर्म्स बिगन टू एच एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। यानी जब वो आगे बढ़ता है, वह लेकर के चलता है, तो उसको जो है एच का मतलब होता है पेन, महसूस होना, दर्द होने लगता है उसके हाथों में। रीजन इज दिस दैट दैट फान इज वेरी हैवी, हिज वेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसके हाथ में पेन होने लगता है। एंड दिस इज द रीजन दैट ही गेट डाउन दैट पार्ट ऑन द ग्राउंड। वह जमीन पे उसको उतार देता है, रख देता है। किसको, कौन रख देता है बेटा? हु केप ऑन द ग्राउंड? जोडी फन को रख देता है। यस बेटा, जोडी, जोडी फन को नीचे रख देता है, राइट? व्हेन ही वॉक्ड ऑन, और इस तरीके से जब वो आगे बढ़ता है, चलता है, द फन फॉलोड हिम एट वंस। तो इट मीन्स व्हेन द दैट जोड़ी कीप दैट फान ऑन द ग्राउंड एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, इट मीन्स सेम प्रोसेस दैट आल्सो फान फॉलोड हिम एंड आल्सो मूव फॉरवर्ड। उसको फॉलो करने लगता है
और आगे की ओर जो है वह बढ़ने लगता है, राइट। आगे देखेंगे आप, यस सर। He allowed it to walk a little distance. He allowed it. It means Jody also sometimes allowed Miss guide करता है किसको, it means Fun को, that also he should walk some distance. कुछ दूरी उसे चलना चाहिए. Then picked it up again and just after some time or some after distance he also, it means Jody again take up in his arm. उसको दोबारा अपनी हाथों में ले लेता है. The distance home was nothing. It means very short distance of the home. अब घर पहुंचने में बहुत कम जो है दूरी रह गई. Carrying it and watching it follow. Sometimes he take in his arm and sometimes he try to go या to move to the house, to home, on foot. यानी पैदल ही कुछ चले. In this way, sometimes he followed as instructed to that fan. उस बच्चे को ऐसा वो इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश करता है, एडवाइस करता है. एंड आल्सो ही इज वाचिंग, वाचिंग मींस पे ध्यान भी दे रहा है, गौर से देखना, ऑब्जर्व करते हुए. इट माइट फॉल एनीवेयर, वहीं वह कहीं गिर सकता है, गिर सकता था. तो इस तरीके से ही इज आल्सो ऑब्जर्विंग. ही वाज वेट विथ, देखिए इसमें कुछ और आगे लाइन छूट रही है. लिसन अगेन. ही कुड हैव वॉक ऑल डे एंड इन टू द नाइट. इसमें का मतलब ये हुआ कि जोड़ी कंटिन्यू वेरी डूइंग हार्ड वर्क फॉर कैरिंग दैट फैन टू द हाउस या होम. घर तक ले जाने में वह बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है, करना पड़ता है उसको. डे एंड नाइट का मतलब दिन रात एक करनी पड़ जाती है. दिन रात एक करने में डू वेरी हार्ड वर्क. कैरिंग इट, उसको ले जाते हुए. एंड वॉचिंग इट फॉलो. अब उसके बाद आगे इसमें देते हैं, ध्यान देंगे आप कि ही वाज वेट वी स्वीट बट लाइट ब्रीज ब्लू थ्रो द जून मॉर्निंग. इट मींस व्हाइल द जोडी इज कैरिंग दैट फैन इन दैट पीरियड ही इज वेटेड विद द स्वीट. वह पसीने से भीग जाता है जल्दी. आपने देखा होगा इफ यू डू एनी डू हार्ड वर्क फिजिकल वर्क एंड दैट टाइम इज समर टाइम श्योर यू विल बी वेट बाय द स्वीट. आप पसीने से भीग जाते हैं. Like this also the Jody feel that period, but this is the morning time and also this was the very cool air is blowing या wind is blowing, बह रही है, चल रही है, जिसको breeze बोला गया है, ठंडी ठंडी हवा. सुबह में आप देखेंगे if you want to go to work or anyway any for working if you go outside in the morning time and that period is summer, तो sure you feel cooling. तो that cooling आपका जो wind है That is called the bridge. उसको ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, यानी ठंडक हवा, अच्छी हवा. Next, cooling him, the sky was clear as spring water in blue china. अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया, ब्लू चाइना अब का मतलब है नीला चाइना, मतलब यहाँ पे बहुत नीट एंड क्लीन. इट मीन्स द जोड़ी इज टेलिंग हियर That period is the sky is very neat and clean and this is the region the compare blue china. Blue china से आपको compare किया गया किसको, very neat and clean sky को. बेटा हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है क्या? Yes sir. Yes. He came to the clearing और इस तरीके से साफ सुथरा neat and clean the atmosphere है and in this way That Jody is tried to reach very soon to his house, to home. वो अपने घर पहुंचना चाहता है. It was fresh and green after the night rain. He also described that particular night also fall the rain. अरे वर्षा हुई थी. And this is the reason that everywhere is looking as seeing very neat and clean. साफ सुथरा. The sky is also looking very नीट एंड क्लीन. तो हर जगह साफ सुथरा, सुंदर, गुड एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है. आगे देखिएगा. ही फंबल्ड विद द लैच एंड वाज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फैन टू द मैनेज इट. उसके बाद क्या होता है कि वह बच्चा नी जोड़ी जो अपने घर पहुंच जाता है और फंबल, ध्यान दीजिएगा वर्डों पे,
हम्बल का मतलब होता है खोलना, ओपन कर सकते हैं। विद द लेस का मतलब होता है लापरवाही से, जैसे अब घर पहुंचता है तो दरवाजा है उसकी स्विंडी या खिड़की जो होता है जो पकड़ने से खोलते हैं, तो उसको बताया गया कि वह लापरवाही से या बिना केयरिंग किए हुए या अनकंफर्टेबल जोन में उसको खोलता है। रीजन इज दिस दैट इन वन हैंड आल्सो कैचिंग दैट फन इन हिज लाइफ, अपने आर्म में अपनी भुजा में गोदी में पकड़ा हुआ है, एंड सेकेंड हैंड इज यूजिंग टू ओपन दैट डोर। तो वहां पर इस वजह से सेंस आपको आ रहा है क्या क्या, हम्बल मीन्स खोलना और लेस का मतलब होता है केयरलेसली, लापरवाही से, राइट। तो ध्यान दीजिएगा वह दरवाजे को बहुत लापरवाही के साथ खोलता है, हेलो। फाइनली ओब्लाइज टू से डाउन द फैन टू मैनेज इट, और उसके बाद जो है अंदर जाने के बाद उस जोड़ी को, यानी जोड़ी नहीं मतलब उस फैन को जो है जोड़ी क्या कर देता है, नीचे जो है रख देता है। जस्ट आफ्टर देन ही हैड एन आइडिया, एट वंस वन आइडिया कम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। व्हाट ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि उसे जो है अब घर में थोड़ा चलने के लिए प्लेस यानी थोड़ा सा सजेस्ट करनी चाहिए, उसको चांस देना चाहिए। इन टू द पेनी बेडरूम, इट मीन्स आफ्टर कीपिंग दैट फन ही आल्सो गो डायरेक्टली इन टू द रूम ऑफ पेनी, पेनी इज हिज फादर, इन विच रूम ही इज लाइंग या ही ट्राई टू टेकिंग रेस्ट, जिस रूम में वो आराम कर रहे हैं, कौन आराम कर रहे हैं, जोड़ी फादर, इट मीन्स पेनी जोड़ी फादर, यस। तो वहां पे जो है वह जाता है, एंड ऑल्सो जस्ट बिहाइंड दैट फन इज ऑल्सो ट्राई टू रीच देयर या गो देयर, वह भी वहां जाना चाहता है, इट मीन्स जाता है। आगे देखिएगा, बट एट द स्टेप, यानी हर स्टेप के बाद या एक स्टेप के बाद द फन बालकेड, ये दिया ना BLKD, बालकेड मतलब होता है विदाउट विलिंग या अनविलिंग कह सकते हैं, बिना इच्छा के, एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब अप, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, इट मीन्स दैट फन डिड नॉट लाइक टू गो इन दैट पार्टिकुलर रूम नियर द जोड़ी फादर वेयर लाइंग आर टेकिंग रेस्ट, यानी जहां पे उसके फादर आराम करें जिस रूम में है, उस रूम में जो है वह फान का बच्चा जाना नहीं चाहता है। ही इज सोइंग हिज अनविलिंग सिचुएशन, इट मीन्स ही डज नॉट वॉन्ट टू इंटर इन दैट पार्टिकुलर रूम, हु डज नॉट वॉन्ट टू इंटर दैट फान, वह बच्चा। आगे देखेंगे आप, He picked it up and went to his father. तो उसके बाद में क्या करता है वह जोड़ी, कि he also again take up that fan in his lap or in his arm and carried it into the room of his father. अपने फादर के रूम में लेकर चला जाता है, कौन, जोड़ी, जोड़ी, yes, Penny lay with closed eyes and when the जोड़ी reached there he saw that his father was lying there in his closing, in his eyes mode, yani wo resting mode mein hai, so rahe hain. To dhyan dijiyega uske baad mein kya hota hai, jodi call pa look, it means jodi want to show his happiness, his feelings, what he has done, what he has brought there, wo wahan pe kya laya hai, apni khushi ko share karna chahta hai, and this is the reason that he says to his father pa. Penny turned his head and after hearing the sound, hearing the word of his son, Penny also turned his head. अपने सिर को मोड़ लेते हैं. It means when he hears the sound of his son, he also turned his head toward his son. अपने बेटे की तरफ जो है मोड़ लेते हैं. After that, उसके बाद क्या होता है? Listen. Jody stood beside him. It means Jody standing there. वहीं पे वह खड़ा है. कौन खड़ा है? जोड़ी. द फन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, यहाँ पे दिया गया है कि इस तरीके से जो है वह वहां पर मतलब वो जाना नहीं चाहता. ये क्लच हार्ड अगेंस्ट का मतलब ये है कि वहां पे वह जो है जाने में असमर्थता जता रहा है. इट मीन्स दैट फन डिड नॉट लाइक टू गो देयर, वहां पे जाना नहीं चाहता. लेकिन जो है क्लच का मतलब होता है यहाँ पे क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम,
जाना नहीं चाहता, इसके बावजूद भी वह अपने हाथों से वह उसको बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। कौन पकड़ा हुआ है? जोड़ी। किसको पकड़ा हुआ है? दैट फान को। आपने देखा होगा किसी बच्चे को अगर हम ले जाना चाहते हैं, चाहे वो मैन का बच्चा हो या किसी जानवर का, तो कई बार वे अगर इच्छा नहीं रखते जाने के लिए तो हमारे लैब से, हमारी गोदी से, हमारी भुजा से फिसलना चाहते हैं, नीचे उतरना चाहते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट द जोड़ी इज कैचिंग दैट फान वेरी टाइटली। ये जो आपको दिया गया वर्ड क्लस्ट का मतलब होता है जबरदस्ती या जोड़ से, तो दूसरा वर्ड टाइटली कह सकते हैं, मजबूती से पकड़ा हुआ। आगे सी, इट सीम टू पेनी दैट द बॉय आईज वर एज ब्राइट एज द फन। हियर द पेनी डिस्क्राइबिंग हिज पर्सनल फीलिंग इन फ्रंट ऑफ जोड़ी दैट व्हेन द पेनी सा द आईज ऑफ द जोड़ी ही सा दैट कलर इज वेरी रेड, रेड कलर में उसकी आंखें दिखाई दे रही। He said, उसने कहा, I am glad you found him. His father is sharing his personal views, his ideas, that he is very happy to see you as well as this pond, that very easily and very short time you have found this pond. बहुत कम समय में आपने इसको सर्च कर लिया, आप इसको लाए, इसको पा गए, तो I am very very happy. मैं बहुत खुश हूँ। Who is saying this line? Jody father, this means Penny. चलिए नेक्स्ट बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा है? एनी डाउट? इफ यू आर फीलिंग एनी डिस्टर्बेंस, एनी डाउट, हेजिटेशन, प्लीज आस्क। नो सर। प्लीज सी, जोड़ी देन वेन टू द किचन, और उसके बाद जो है वहां पे जब ये बात सुन लेता है कि फादर बहुत खुश है, जस्ट आफ्टर ही केप दैट फार्म इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, इट मीन्स द नियर हिज फादर, अपने पिता के पास में ही वहीं पर जो है उस फान को छोड़ देता है, रख देता है। उसके बाद क्या करता है? तो जोड़ी देन वेंट टू द किचन, ही डायरेक्टली गो या डायरेक्टली रीच इनटू द किचन, वह किचन में जाता है। द फान ओबल्ड, ओबल्ड का ओबल्ड ही दिया हुआ है, डब्ल्यू ओ डबल बी एल ई डी, इसका मीनिंग होता है घूमते घूमते जाना या धीरे धीरे जाना या उसके पीछे पीछे जाना। इट मीन्स व्हेन दैट जोड़ी एंटर्ड या वेंट इनटू दैट पर्टिकुलर किचन, आल्सो दैट फान फॉलोड हिम, वो उसको पीछे पीछे अनुसरण करते हुए चला जाता है। आफ्टर दैट ए पेन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। After reaching in the kitchen, Jodi saw that there is a pot and which is full of milk. वहाँ पे एक पार्ट है, पार्ट में बर्तन को बोलते हैं, तो उसमें जो है क्या रखा हुआ है? मिल्क। सेफ से मतलब होता है जैसा आपने स्लीप रखा, स्लीप देखा होगा, स्लीप जो रखने के लिए मतलब किचनों में बनाई जाती है। Also there is available the that part and that part the full of milk. तो वहाँ पे जाने के बाद देखता है, हुसी जोड़ी, द क्रीम हैड राइजन या रिजन कह सकते हैं, ऑन इट, रिजन ऑन इट का मतलब है जो मिल्क है, दैट इज वेरी हार्ड समटाइम्स एगो, एंड दिस इज द रिजन दैट अपर साइड आर सरफेस कह सकते हैं, आल्सो देयर इज अ क्रीम। आपने जरूर देखा हो, घरों में देखते रहते हैं, जब दूध को हम गर्म करते हैं तो उसको ऊपर क्रीम यानी मलाई जम जाती है, तो दिस इज आल्सो सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ जोड़ी इन दैट पार्टिकुलर मिल्क, उसमें जब वो देखता है तो उसको दिखाई देता है। He skimmed the cream to the jug. He skimmed the cream का मतलब skim means उसको रख देता है, cream means मलाई को, into the jug means जग में, यानी after seeing that there is cream on the upper part of the milk, he also taken that क्या बोलते इसको cream and also came in that any other parts are jug कर सकते हैं, जग में उसको रख देता है। Just after he poured milk into the small gourd, gourd का मतलब होता है ये तब्बू दिया गया है, तब्बू नहीं समझ में आपको आ रहा होगा तो you can understood that there is some other parts जिसमें हम दूध को रख सकते हैं। अब वो दूध किस लिए रख रहा है? कि उस दूध को जो है ले जा करके उस फान को वह पिलाएगा, और इस तरीके से he is keeping या powering, पावरिंग का मतलब होता है लिक्विड पदार्थ को
हम किसी चीज में गिरते हैं या रखते हैं तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द पाउरिंग, यानी रखना, तो उसको मिल्क को उस गॉड में, उस पार्ट्स में रख देता है. जस्ट आफ्टर ही हेल्ड आउट टू द फन एंड जस्ट आफ्टर ही, आपका जो दिया गया है हेल का मतलब है पकड़ना या कैच, उसको ले लेता है. एंड जस्ट आफ्टर ही ट्राई टू कैरी दैट पार्ट्स नियर या टू द फन, वह फन के पास ले जाना चाहता है. इट बटर्ड, बटर्ड इट का मतलब होता है बटर्ड, सिर मारना. सिर मारने का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी किसी चीज को अवॉइड करना, लाइक ना करना. कई बार सिर हम इस तरीके से भी बच्चे या कोई जानवर इंडिकेट करते हैं कि हम इसको अंदर से तो उनकी इच्छा होती है कि उसको हम हासिल कर ले, ग्रहण कर ले, पी ले, पर कई बार हम बाहरी मन से उसको निगेटिव या अवॉइडिंग का निगलेट का क्या करते हैं, इंडिकेशन करते हैं. बट रियली दैट फन इज नॉट सिचुएशन दिस टाइप इन इनर साइड बट ऑल्सो शोइंग ओनली बटर. बटर मीन्स, अभी हम आपको बताएं, सिर मारना इट मीन्स अवॉइड करना, निगलेट करना. इट सडनली, अचानक, एकाएक, स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क को जब स्मेल करता, इट मीन्स व्हाइल दैट फन स्मेल द सेंट या फ्रेग्रेंस ऑफ दैट मिल्क इन दैट पीरियड ही बटर्ड, यानी वह उसको सिर मारता है. लेकिन क्या होता है, जस्ट आफ्टर ही सेव्ड इट, ही सेव्ड इट मीन्स जोडी ऑल्सो वेरी सून, इट मीन्स ही स्टैंडिंग नियर बाय एंड व्हेन ही सी दैट इट मे बी स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैल जाएगा ऑन द फ्लोर इन दैट पीरियड ही कंट्रोल दैट पार्ट्स, वह जो पार्ट जिसमें दूध रखा हुआ है, जिसमें वह सिर से मारता है, हो सकता है बिखर जाए, गिरने ही वाला है, दैट पीरियड ही कैच, उसको पकड़ लेता है. आगे उसमें दिया गया, इट प्रीकेयरलेसली फ्रॉम द स्पाइलिंग ओवर द फ्लोर. प्रीकेयरसली का मतलब होता है एक तरीके से मुश्किल से, और फ्रॉम स्पाइलिंग का मतलब होता है फैलना या बिखर जाना. फैलने का ही इसका मीनिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, आप ये समझिए, ओवर द फ्लोर. इफ दैट पीरियड जोडी वाज नॉट प्रेजेंटेड श्योर दैट मिल्क स्प्रेड या स्पाइलिंग ऑन द फ्लोर, निश्चित रूप से वह फैल जाता है. एंड दिस इज द वेरी गुड सिचुएशन दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर एंड वेरी इजिली या वेरी हार्डली भी कर सकते हैं ही आल्सो कंट्रोल दैट पार्ट, उसको डील कर लेता है, संभाल लेता है. एंड आफ्टर आल्सो स्टॉप इट फ्रॉम द स्पाइलिंग ऑन दैट फ्लोर, उसको फर्श पे भी करने से बचा लेता है, सेव कर लेता है. आगे देखिएगा, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, यानी निश्चित रूप से जो है कुछ नहीं बचता किसमें, इन दैट गॉड, यानी जिस पार्ट में दूध रखा गया था उसका कोई रिजल्ट नहीं आता. श्योर दैट विच वेस्टेड, वह खराब हो जाता. उसके बाद वह क्या करता है, लिसन, ही डीप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम. उस डीप्ड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर अपने फिंगर्स को ले जाना या डुबो देना. तो यहां पे आपको सेंस ये बताया जा रहा है कि दैट फन इज unable to take or drink that milk in that period, he also four fingers dipped उसके अंदर कर देता, किसके अंदर, in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. And just after dipping in the milk his fingers and also coming outside and that wetted into that milk his fingers also inside in the mouth, वो फान के जो है मुख में लगा देता. इट मीन्स दिस इज द स्टाइल ऑफ गिविंग दैट मिल्क, उसको पिलाने का, उसको उसके अंदर ले जाने का एक, दिस इज द लास्ट ऑप्शन जोड़ी हाइट उसके पास था. बेटा ये लाइंस आपको समझ में आ रही है क्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस लाइंस? यस यस बेटा, आगे देखेंगे आप. He suckled greedily. Suckle greedily का मतलब होता है अधीरता से चूसना. चूसने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि while the jody also
carries his finger, waited the milk. In that period, that pan, ये आपको जो दिया गया सकल का मतलब है चूसने का, इसका मीनिंग होता है चूसना, राइट? तो इन दिस वे ही ट्राई टू ड्रिंक दैट मिल्क, कौन ट्राई कर रहा है दैट पान, इस तरीके से उसको पी रहा है, उसका आनंद ले रहा है। व्हेन ही विड्रू देम, जब उसको जो है निकाल लेता है, विड्रू का मतलब फिर वापिस कर लेना, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली फ्रेंटिकली एंड बूटेड हिम, वह क्या करने लग जाता है, वह चिल्लाने लगता है और सिर मारने लग जाता है, कौन दैट पान, जब उसके मुख में फिंगर लगाने के बाद जब उसको चूस लेता है, फिर जब फिंगर जब बाहर करता है जोड़ी, तो दैट पीरियड पान बिगेन टू डिस्टर्ब हिमसेल्फ एज वेल एज आल्सो इटसेल्फ, वह दोनों को परेशान करता है, स्वयं को और उसको भी, इट मीन्स ही इज ट्राई टू शो हिज विलिंग्स ही डिजायरिंग दैट ही नीड्स मोर मिल्क अगेन एंड अगेन, उसको और ज्यादा जो है मिल्क की आवश्यकता है, दिस इज द शोइंग बाई डिस्टर्बिंग टू द जोड़ी, जोड़ी को डिस्टर्ब करके या उछल कूद करके ये इंडिकेट कर रहा है कि इट्स नीड मोर या एक्स्ट्रा मिल्क टू हिम। यस, अब आगे देखिएगा, ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एज द पान सकल, और इस तरीके से द प्रोसेस ऑफ आल्सो डिपिंग हिज फिंगर इन द मिल्क and also carry the finger in his mouth, this process is carry on until the milk was not finished, jab tak milk samapt nahi hua tha ya process jari rehta hai, and in this way the pan completely drink that milk, us sare milk ko pi jata hai। ab isko andaaza laga sakte hain ki how much Jodi like that pan and how hard to शीड कर सकते हैं, शीडिंग कर सकते हैं, या आल्सो टू फोर्सली ड्रिंक दैट मिल्क टू दैट पान इनटू हिज माउथ बाय द हेल्प ऑफ हिज फिंगर्स, वेरी हार्ड वर्क इन स्पाइट ऑफ हिज आल्सो ट्राई अगेन एंड ही इज सक्सेसफुल टू कंप्लीट या फुलफिल हिज टारगेट, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में जोड़ी सफल हो जाता है। दिस लाइन्स इज शोइंग टू अस आर एनीबडी दैट इफ वी आर डिटरमाइंड टू टेकिंग एनी टारगेट श्योर वी विल कंप्लीट इफ वी आर कंटिन्यू वर्किंग आर डिटरमाइंड, तो हम उसको कोई भी काम कर सकते हैं यदि हम बार बार प्रयास करें डिटरमाइंड उसके प्रति। लिसन नेक्स्ट लाइन, ही पावर देम स्लोली इन टू द मिल्क, और इस तरीके से धीरे धीरे वह सारे मिल्क को जो है उसको पिला देता। द फान ब्लू, ब्लू का मतलब है कि खुशी के साथ, राइट? एंड सकल्ड एंड स्नॉर्टेड, इस तरीके से वह सारे मिल्क को जो है पी जाता है और संतुष्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट फान इज कंप्लीटली सेटिस्फाई, वेरी हैप्पी आफ्टर drinking all that milk। अब आके आप देखेंगे, it stamped it small hoof impatiently का मतलब होता है अधीरता पूर्वक, अधीरता means कई बार जो है हम अपने धैर्य को छोड़ने लग जाते हैं, तो उस छोड़ना को impatiently बोल सकते हैं, हम बोलते हैं ना high patient, उसी से आपका impatiently बना हुआ है, अधीरता पूर्वक। स्टैम्प का मतलब होता है पटकना, पटकने का मतलब ये समझ सकते हैं कि यू कैन सी वेरी इली नियर बाय योर एरिया देयर आर डिफरेंट टाइप द एनिमल एंड इफ दे फील एनी डिस्टर्बेंस इन हिज फीट इन दैट पीरियड दे आल्सो समटाइम्स कम एंड अप एंड डाउन दे डू वेरी फास्टली विदाउट एनी इंडिकेशन, तो दिस टाइप एक्टिविटीज कॉल आल्सो स्टैम्पिंग, तो उसी से स्टैम्प दिया गया, उसकी मीनिंग होता है पटकना। वह जो है हुफ मींस अपने खुर को, अपने पैर को, वह फान जो है अधीरता के साथ अपने पैर को क्या करता है, छोटे छोटे पैरों को ऊपर नीचे करता है, पटकता है, झटका देता है। स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स? Yes, sir. Yes. आगे देखेंगे,
as long as he held his fingers below the label of milk. ये बताया गया है कि as long as he held his finger, जैसे ही जो है अपने fingers को ऊपर की ओर उठाता है या नीचे करता है, किसमें? मिल्क में. The fun was content. इस तरीके से वो सारा पी करके जो है संतुष्ट हो जाता. Content का मतलब satisfied होना. It closed each eye dimly. और इस तरीके से जैसे स्वप्न हम लेते हैं, इस तरीके से उसकी आंखें जो है ऐसा लगता है कि वह स्वप्न देख रहा हो, यानी बंद होने लग जाती है. इट वाज इकास्टी टू फील इट. इकास्टी का मतलब होता है खुशी फील करना, हैप्पीनेस, जॉयफुल, मैरीमेंट, राइट, या ग्लैडनेस कर सकते हैं. इस तरीके से वह बहुत खुश है. हु इज वेरी हैप्पी? दैट फन. इट जहां पे दिया गया है दैट इज यूज फॉर ओनली फन. ये ध्यान देंगे आप. टंग अगेंस्ट हिज हैंड. और इस तरीके से जो है टंग से मतलब क्या आपका हो गया? जीभ से मतलब है. यानी वह फिर जो है अपने जीभ को क्या करता है, उसके हाथों में चाटते हैं ना, चाटना. तो लाइक दिस आल्सो ट्राई टू कमिंग आउट द टंग. हुज टंग? इट मींस दैट फन. वह उसके हाथों को चाटता है, किसके? जोड़ी को. इट मींस एंड ही टेकिंग दैट मिल्क मेनी टाइम्स जस्ट आफ्टर ही कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द व्हाट इज द सेंस ऑफ हिज हैंड. Yeah, what is the sense of his finger? And this is the reason that Phan is trying to lice means hota hai chaatna with the help of its tongue, apne jeev ke madhyam se. Aage, it is small tail flicked back and forth. It is small tail ka matlab uska chota sa jo hai pooch hai. Tails kisko bolte hai? Pooch. Flicked ka matlab hota hai lahrana. Lahrane ka matlab ye hai. मूव करना. आपने देखा होगा समटाइम्स इफ यू आल्सो प्रोवाइड सम फूड आर एनीथिंग फॉर योर एनी पेट दैट मे बी कैट आर एनी डॉग आर एनी अदर्स एंड व्हेन दैट डॉग आर डॉगी या दैट कैट इज कम्प्लीटली यूज या ईटन दैट फूड फॉर यू हैव प्रोवाइड फॉर हिम व्हेन आर ही आर सी कम्प्लीटली सेटिस्फाई इन दैट पीरियड he also indicate that he or she is happy indicate his by the what tails apne poochon ko ghumane lag jate hain right so here is also that fan is moving its tail apne pooch ko hila raha hai and this moving is indicating that he is completely satisfied and also happy va khush hai ab aage dekhenge ab thoda sa aur aage ek do line Just after that, last of the milk vanished in that swell foam of gurgling. Gurgling क्या है पे दिया गया है meaning की आवाज. Gurgling से मतलब है आवाज. I swell of the foam का मतलब है उसकी मलाई, उसकी झाग जो दूध पे थी. Everything is completely or totally finished. सब कुछ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है. तो in this way, that fun. That Jodi, as well as his father, everybody is very happy. Yes, students, any problem? No. No, sir. चलिए तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको शाम को मैं कोशिश करूंगा कि आपको भेज दिया जाए. कुछ बच्चों के पास इसके बाद वाला भी लेसन जो हुआ था वो भी नहीं हुआ है तो वो आपके yes, कुछ यस yes, गर्ल्स लोगों का इनका जो लिंक था आपके नंबर से संबंधित तो सेकंड वाला नहीं हो पाया था तो आज जाएगा जरूर. आप निराश ना हो. श्योर आई विल सेंड टुडे द आल्सो द यूनिट नंबर 7 एंड इफ आई विल एलिजिबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन टुडे दिस लेसन 6th लेसन तो श्योर आई विल सेंड आल्सो अदरवाइज 7 लेसन क्वेश्चन आंसर रीच टू यू टुडे इन द इवनिंग राइट बेटा. ओके सर. चलिए आइए कुछ क्वेश्चन रेज कर लेते हैं. टाइमिंग कितना हो चुका है? 5 मिनट लेफ्ट है. यस बेटा 5 मिनट सर. 5 मिनट. चलिए तो एक दो क्वेश्चन रेज कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आपने क्या सीखा. ओनली ए वन या टू तो डे टू टाइम से पढ़ा करो. वन साउंड इज कमिंग, दिस इज नॉट गुड आइडिया, प्लीज जस्ट स्टॉप नाउ. How did Jodi bring the fan back home? Yes, any beta. How did Jodi bring the fan back home?
Anybody? Anybody answer? भाई जोड़ी जो है फान को घर पे कैसे लाता है? Tell anybody? No answer. जोड़ी will the fan. चलिए रिवाइज अगेन और आंसर दीजिएगा. आप इतने बेसमाप हो जाएगा बेटा. ठीक है ठीक है.